दोस्तों, एंड वेलकम बैक। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। और मैं आपको ईद के हवाले से एक कहानी सुनाना पसंद करूँगा जो, और इस कहानी का नाम टाइटल है हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। इस कहानी में आपको ये भी इंफॉर्मेशन पता चल सकती है कि हम बड़ी ईद में कुर्बानियाँ क्यों देते हैं, क्या वजह है, वाई भी। शुरू करते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت بلند مرتبہ نبی گزرے ہیں ان کے بعد جس قدر نبی کے رسول آئے وہ آپ ہی کی نسل سے تھے حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے جب حضرت اسماعیل چلنے پھرنے کے قابل ہوئے तो अल्लाह ने हज़रत इब्राहिम से बेटे की कुर्बानी तलब की। आप अल्लाह के सच्चे दोस्त थे। खुदा की राह में उन्हें बड़ी से बड़ी कुर्बानी से भी दरेग ना था। चुनाचा आपने अल्लाह का ये हुक्म हज़रत इस्माइल को सुनाया। इस पर हज़रत इस्माइल ने कहा, ए वालिद मोहतरम, अल्लाह ने आपको जो हुक्म दिया है उसको ज़रूर पूरा करें। आप इंशाअल्लाह मुझे इस इम्तिहान में साबित कदम पाएंगे। शैतान ने हज़रत इस्माइल और हज़रत इब्राहिम को वरगलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आपने उसे झड़क दिया और कनकरिया मान कर भगा दिया। अब हज़रत इब्राहिम ने इस्माइल के हाथ पांव बांध दिए ताकि टरपे नहीं, और अपनी आँखों पर पट्टी बांध ली और अपने बेटे के गले पर छुरी चला दी। उसी वक्त गैब से आवाज आई, ए इब्राहिम अलैहिस्सलाम, तूने अपने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया और हकीकत में यह बहुत बड़ी कुर्बानी है। और जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आंखों पर से पट्टी खोली तो हज़रत इस्माइल के बजाय एक दम्बा जीबा क्या हुआ पड़ा था। इसे वाक्ये की याद में मुसलमान हर साल 10 ज़िलहज को कुर्बानियाँ दिया करते हैं। यह वाक़िया मक्का मुसलमा के करीब मनिया एक पहाड़ का नाम है में पेश आया, जहाँ मुसलमान हर साल जाकर इस याद को ज़िंदा रखने के लिए कुर्बानियाँ दिया करते हैं। तो दोस्तों, तो आपको जैसे मैंने आपको बताया है कि हज़रत इब्राहिम ने जब वो चलने फिरने के लायक हुए तो उन्होंने हुक्म दिया कि कुर्बानी करे, तो ये रीज़न थी कि कुर्बानी हुई थी, तो इसलिए सारे लोग 10 ज़िलहज को कुर्बानियाँ देते हैं जिससे हमारी ईद बनती है। तो दोस्तों, तो ये आज की वीडियो थी। अगर आपको अच्छी लगी तो आप सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, लाइक भी कर दें। और अगर आपको ऐसी वीडियो ईद में चाहिए और ऐसी अच्छी चीज़ें चाहिए तो बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर देना। तो दोस्तों, आपको मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।